मेंसुरेशन में सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चन होता है, सिर्फ दो। अभी हम सिखाएंगे दो टाइप क्या होता है, वो दो टाइप समझ गया मेंसुरेशन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मेंसुरेशन फिर से सिर्फ इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन को फैन ऑफ फेलो, मेंसुरेशन को प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करवा पाते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं एरिया ऑफ द बोर्ड, ये जो बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं उसका एरिया, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए एरिया का मतलब ये जो अंदर का जगह है ना, इसको बोलते हैं, ये पूरा अंदर का जगह एरिया। जब हम पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर का मतलब था बाउंड्री, तो अगर बोर्ड का बाउंड्री का बात करें मतलब ये सिल्वर पोर्शन का बात हो रहा है ना, ये चारों तरफ। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दिया, हम लोग पहले 5.2 पढ़े, 15.2 पढ़ेंगे, 15.2 थोड़ा आसान है इसीलिए पहले थोड़ा आसान पढ़ ले रहे हैं। थोड़ा गर्मी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉइस रिकॉर्ड नहीं हो, इतना नहीं लगेगा कि बैठ नहीं पाएगा। देखो, तो अगर हम ये ग्रीन लाइन जो ड्रॉ किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ग्रीन लाइन जो ड्रॉ किया इसको बोलते हैं पेरीमीटर। इसका अंदर जो जगह है ये एरिया है ना, ये एरिया है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, इंसुलेशन है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ दो टाइप का फॉर्मूला है, सिर्फ दो। अभी हम लोग को पढ़ना है जो चैप्टर वन है, दैट इज बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रपीजियम, ये सब। और ये चार का चार चार साइड होता है, जिसका चार साइड होता है उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, जिसका तीन साइड होता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं। जो चैप्टर 15.1 है दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रिलैटरल, मतलब क्वाड्रिलैटरल के बारे में उसको पढ़ाया है। और जो चैप्टर 15.2 है इसमें ट्राइंगल्स के बारे में, तो ट्राइंगल्स वाला थोड़ा सा आसान है इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ ले रहे हैं, फिर हम लोग 15.1 पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आए, और तुम कोई भी एक सीख जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि वर्क कैसे होता है मेंसुरेशन। तो ट्राइंगल का अगर हम बात करें, ट्राइंगल तीन तरीका का होता है, बाय द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड। ट्राइंगल तीन टाइप का होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है, सुनो खाली कुछ मत बोलो, देखो जिसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। दो साइड का लेंथ अगर इक्वल हो और एक अलग हो, दो साइड का लेंथ अगर इक्वल हो और एक अलग हो तो आइसो, और अगर तीनों साइड का लेंथ अलग हो तो स्केलन। तो ये क्या है, स्केलन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंड दिस इज, अगर ये ए है, ये भी ए है और ये बी है, इसको बोलेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस मतलब दो साइड इक्वल, एक साइड अलग। और अगर हम बात करेंगे ट्राइंगल का एरिया का, कि कोई भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, अरे ट्राइंगल का है, कोई भी ट्राइंगल हो, एरिया का मतलब उसका अंदर का जगह, इसका अंदर का। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब किसी भी ट्राइंगल का आपको बेस दे दिया और अगर उसका हाइट दे दिया, उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आए इक्विलैटरल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का फॉर्मूला जो था हाफ बेस इंटू हाइट, वो किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल में लग सकता है, किसी भी इक्विलैटरल, स्केलन, राइट एंगल ट्राइंगल का बात करेंगे, आइसोसेल, किसी में भी लग सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक ट्राइंगल का, लाइक अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका जो पेरीमीटर होता है, तो भैया पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। सिंस इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम होगा, तीनों साइड को हम बोल दिए कि ए ए ए है तीनों, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द बाउंड्री। भैया ये रूम का पेरीमीटर मापना है, दीवार का लेंथ माप दो, 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 क्या हो जाएगा पेरीमीटर। अगर हम बोलेंगे, तुम लोग का तो 3D फिगर है नहीं, अगर रहता तो हम बताते, अगर ये वाला का खाली इतना जो दिख रहा है इसी को देखेगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इसका एरिया क्या होगा, ये वाला चीज, ये जगह जो है ना, तो ये रूम का पेरीमीटर क्या होगा, चारों दीवार का लेंथ माप दिए, रूम का पेरीमीटर, ये रूम का एरिया क्या होगा, जहां तुम बैठा है वो रूम का एरिया है। तो अगर हमको बोलेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का भैया पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर मतलब होता है आज से जान लेना बाउंड्री,
पेरिमीटर मतलब बाउंड्री, और बाउंड्री का भी क्या समेशन, सम ऑफ बाउंड्री। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा पेरिमीटर का मतलब क्या है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का जो सम है इसी को पेरिमीटर बोलते हैं। तो एक साइड ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, तो पेरिमीटर क्या होगा, 3A पेरिमीटर। और ए क्या भैया, लेंथ ऑफ वन साइड, ए क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड, और इसको मोर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं इस साइड। क्यों भैया इस साइड, क्योंकि जो लेंथ दिया हुआ है, क्योंकि जो लेंथ दिया तीनों का सेम है, तो पेरिमीटर क्या हो गया, 3A। अब पेरिमीटर याद करने का क्या जरूरत है भैया, 3A सबको याद करता पेरिमीटर, 3A 3A एक गाना गाने का चीज है। अरे भैया तीनों जो साइड है इक्विलैटरल होने के लिए सेम है, अगर तीनों साइड को आप ए बोलिएगा तो पेरिमीटर 3 हो जाएगा, और अगर तीनों साइड को आप एक्स बोलिएगा तो तीनों साइड 3x हो जाएगा, एम बोलेंगे तो 3m हो जाएगा। अब आया एरिया, एरिया मतलब इसका अंदर का जगह, इसका अंदर का ये कितना होता है, ये होता है √3/4 a² √3/4 a² मतलब अगर आपका साइड 5 है, कितना है 5, तो आपका एरिया जो होगा √3/4 × 5² दैट इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अभी आप बोले कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है ½ × base × height, तो फिर ये अलग फॉर्मूला का लिख रहे हैं हम, बोले किसी भी ट्रायंगल का अगर आप बेस भी जानते हैं, हाइट भी जानते हैं, तो ना ½ × base × height लगा देगा। यहां तो तुमको किसी का भी हाइट दिया ही नहीं है, तुमको खाली साइड का लेंथ दिया है, तो ½ × base × height लगा पाएंगे। तो ये क्या होगा, जब किसी ट्रायंगल का बेस भी और हाइट भी दिया होगा तब उसका फॉर्मूला होगा ½ × base × height। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल का हाइट और बेस ना दे तब तुमको ट्रायंगल को पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि फिर तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो अगर हमको बेस और हाइट पता है तब हमको उसका एरिया भी पता है, हाफ बेस हाइट। लेकिन अगर नहीं पता है बेस और हाइट दोनों साथ साथ, तो फिर हमको ट्राइंगल को पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। अब टाइप ऑफ ट्राइंगल पहचानेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 × a² √3/4 × a² और इसका हाइट, ये सब को हम डिराइव करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोई डेरिवेशन मेरा काम का नहीं है। हाइट, इसको बोलते हैं हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला था √3/2 × a² √3/2 × a। तो एरिया का होता है, पेरीमीटर का है, याद कर रहा है, अरे का है पेरीमीटर याद करेगा, तीनों ए है, 3A। एरिया √3/4 × a² हाइट √3/2 × a। पक्का? तो अगर किसी ट्राइंगल का साइड 5 है और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका पेरिमीटर होगा 3 × 5, उसका एरिया होगा 3/4 × 5² तो कितना होगा 25, √3 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो जैसे का तैसे 4, ये उसका एरिया हो जाएगा, ये उसका एरिया। और उसका हाइट कितना हो जाएगा √3/2, और साइड कितना लेने बोले 5, 5√3/2 बोल बात सुनना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरिमीटर 3A, एरिया √3/2 a² और हाइट √3/2 × a। कोई दिक्कत किसी को? अब आया स्केलन ट्रायंगल। भैया स्केलन ट्रायंगल का होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग होता है, तो पेरिमीटर इसका क्या होगा, ए भाई पेरिमीटर मतलब सम ऑफ बाउंड्री, बस बात खत्म। a+b+c मतलब तीनों साइड का लेंथ को जोड़ दीजिएगा तो आपको उसका पेरिमीटर मिल जाएगा। तो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं सेमी पेरिमीटर। सेमी का मतलब होता है हमेशा आधा, सेमी का मतलब होता है आधा। तो सेमी पेरिमीटर का मतलब क्या, पेरिमीटर का आधा। तो पेरिमीटर अगर आपका a+b+c है तो सेमी पेरिमीटर का होगा a+b+c/2, सही बात। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √SS-A(S-B)(S-C)। ये जो एरिया निकालने का तरीका है
आइसोसेलेस स्केलेन ट्राइंगल का, इसको हम लोग बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। ये एक मैथमेटिशियन था, वो ये फॉर्मूला को डिराइव किया था, है ना, तो अपना नाम पे ये फॉर्मूला डाला कि अगर किसी स्केलेन ट्राइंगल का आपको एरिया चाहिए तो आप उसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। थोड़ा फैन ऑफ कर लेना, वो हो जाएगा, पीछे तो एसी चल ही रहा है। हाँ, तो अगर किसी का, देखो इधर, अगर किसी का सेमी पेरीमीटर निकालिए भैया, पेरीमीटर का होता है सम ऑफ बाउंड्री। अगर आपको तीनों साइड पता है, जोड़ दीजिए, पेरीमीटर आ गया। तीनों साइड को जोड़ के हाफ से डिवाइड मार दीजिए, सेमी पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर का हाफ। तो स्केलेन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला का नाम है हेरेंस फॉर्मूला। अभी हम इसको सम्स में अप्लाई भी करेंगे और क्वेश्चन बना के भी दिखाएंगे। इसका स्केलेन ट्राइंगल के समय हम लोग हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का, आज से याद रखना, हम लोग सोचते हैं खाली ये हाइट होता है, नहीं, हाइट ये नहीं होता है। ट्राइंगल का हाइट का डेफिनेशन क्या है? हाइट का डेफिनेशन क्या है? हाइट का डेफिनेशन है ही नहीं है कि ये वाला ना, देखो हाइट का ट्राइंगल का डेफिनेशन होता है, ट्राइंगल का ये वाला चीज को बोलते हैं वर्टेक्स। जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा रहे थे तो बोले थे, और जब वर्टेक्स एक से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? किसी भी ट्राइंगल का कोई भी वर्टेक्स है, अगर हम उसका ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर को ही हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, हाइट। तो भैया वो हम इससे कहे ड्रॉ करेंगे, हम इससे इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हाइट। अरे भैया हम इससे इसके ऊपर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं हाइट। तो ट्राइंगल का ना एक हाइट होता ही नहीं है, ट्राइंगल का तीन गो हाइट होता है। तो हाइट क्या है? किसी भी ट्राइंगल का कोई भी वर्टेक्स से उसका ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उस परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, उस परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं हाइट। तो ट्राइंगल का एक हाइट नहीं होता है, तीन गो हाइट होता है। क्या होता है? उसी के वजह से हम लोग यहाँ पे ना स्केलेन ट्राइंगल के समय, स्केलेन ट्राइंगल तो ऐसा होता है ना जिसका तीनों साइड अलग हो, तो थोड़ा सा उसका शकल भी वैसे ही बना ले रहे हैं, है ना, देख के लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा है, ये उससे बड़ा, इससे बड़ा, क्योंकि इसका आगे जो हम बनाए थे भले ओरली उसको स्केलेन बोल दे रहे थे, लेकिन देख के इक्विलैटरल जैसा लग रहा था। तो ना तुम अगर खुद से देखो, अगर ये वर्टेक्स से ड्रॉ करें हम तो हाइट इतना बड़ा, अगर बी से ड्रॉ करें एसी पे तो इतना बड़ा, और सी से ड्रॉ करें इस पे तो इतना बड़ा, है ना, तो तीनों हाइट अलग अलग आ रहा है ना, देखने में भी लग रहा है और होता भी है, देखने में भी लग रहा है और होता भी है। तो अगर हम हाइट का फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे कोई एक ठो, तो हम कैसे समझेगा तीनों में से कौन सा हाइट का बात हो रहा है? इसके लिए स्केलेन ट्राइंगल के समय हाइट का हम लोग फॉर्मूला लिखते नहीं है, निकालते हैं, लिखते नहीं है। तो भैया निकालते कैसे? सम्स आएगा तो बताएंगे, बोल क्लियर है? तो यहां आप हाइट का फॉर्मूला क्यों लिखे? इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों हाइट इक्वल होता है, ये भी हाइट है इक्विलैटरल का, ये भी हाइट है इक्विलैटरल का, ये भी हाइट है मेरा भाई इक्विलैटरल का, इक्विलैटरल का तीनों हाइट इक्वल होता है। तो भैया आप कोई सा भी निकालिए, होगा तो सेमी, लेकिन यहां पे इसका तीनों हाइट, तो हम फॉर्मूला अगर लिख भी दें तुमको कहां से पता चल जाए कौन सा हाइट का बात हो रहा है? इसीलिए स्केलेन ट्राइंगल का तीनों हाइट अलग अलग लेंथ का होता है, और इसका तीनों, इसीलिए हम तीनों को एक बार में लिख दिया, क्योंकि आप कोई भी निकालिएगा सेमी होगा, और इसका तीनों अलग है, इसीलिए हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। निकालेंगे कैसे? जब क्वेश्चन में मेरे को बताएगा वो कि उसको तीनों में से कौन सा हाइट चाहिए, तीनों में से कौन सा हाइट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए तो ये मांग रहा है, सबसे बड़ा चाहिए तो ये मांग रहा है, जब वो मेरे को बताएगा कि भैया हमको कौन सा हाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सम्स बनाएंगे। बोलो आया कि आंसर ये पक्का? हाँ। अब आया आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का दो साइड इक्वल है, तो इसका अपना पर्सनलाइज, अच्छा इसका पेरीमीटर अगर हम लिखें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भैया? ए प्लस ए प्लस डी, टू ए प्लस डी। इसका एरिया का अपना खुद का पर्सनलाइज फॉर्मूला है, जैसे इसका अपना खुद का भैया एरिया का फॉर्मूला है, इसका पास अपना खुद का पर्सनल एरिया का फॉर्मूला है, तो आइसोसेलेस का भी पास अपना खुद का एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग आइसोसेलेस का एरिया निकालते समय कभी भी आइसोसेलेस का एरिया का फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, हम लोग उसको क्या करते हैं, हेरेंस फॉर्मूला का हेल्प ले लेते हैं। किसका हेल्प ले लेते हैं? हेरेंस फॉर्मूला के लिए क्या लगता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का होता है जो पेरीमीटर आपका है
उसका आधा कर दीजिए तो a प्लस बी बाई टू। और एरिया का फॉर्मूला है भैया, आप जो एक बार a माइनस किए, एक बार b माइनस किए, एक बार c माइनस किए, आप एक बार a माइनस कीजिए, दोबारा फिर a माइनस कर दीजिए, तिबारा फिर b माइनस कर दीजिए। मतलब क्या है, अगर कहीं पे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो आपको बताएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अरे भैया लेंथ ऑफ साइड देख के नहीं पता चल जाएगा, 10 10 12 दिया, 10 10 12 दिया, तो एक बार भाई 10 माइनस कर, फिर से 10 माइनस कर, एक बार 12 कर दे। अगर 10 12 13 दे दिया तो एक बार 10 माइनस करो, एक बार 12 करो, एक बार 13 करो। तो इसका खुद का अपना फॉर्मूला है, उसको हम लिखेंगे भी, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग उसको इसका हेल्प लेके नहीं लिखते हैं, इसका हेल्प लेके लिखते हैं। तो बोलेगा इस हिसाब से तो फिर आप इक्विलैटरल का भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं है, कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो का इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेगा, कैसे बोलेगा, अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इच साइड इज 6। हो गया बात खत्म, इक्विलैटरल लेंथ ऑफ इच साइड इज 6। सब सेमी पेरिमीटर निकालिए आप, एस माइनस 6, फिर एस माइनस 6, फिर एस माइनस 6 कर दीजिए, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सब तो उसी से हो जाएगा। हाँ सच बात है, उसी से हो जाएगा, लेकिन इसका पास अपना खुद का पर्सनल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तो फिर दूसरा का काहे कॉम्प्लेक्स वाला का हेल्प लेगा, इसका अपना खुद का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है इसीलिए वो दूसरा का हेल्प ले रहा है। अभी आया कि नहीं आया? मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, किसी भी ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलैटरल हो, स्केलेन हो, चाहे फिर वो आइसोसेलेस हो, तीनों को हम लोग हेरेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्विलैटरल का नहीं करते क्योंकि वो बहुत इजी फॉर्मूला है, वो इसीलिए उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते। किसका हेल्प लेके कर रहे, तो उसका खुद का फॉर्मूला से। बोल क्लियर है? तो इसका भैया खुद का जो फॉर्मूला एरिया वाला का है, 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसका पर्सनलाइज फॉर्मूला है, जिसमें a क्या है, नॉन इक्वल साइड, और a क्या है, इक्वल साइड। मतलब एक वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका लेंथ ऑफ साइड 10, इक्वल वाला साइड का 10, और जो एक वन इक्वल साइड है वो है 12। मतलब दो दो इक्वल वाला 10 है और एक वन इक्वल वाला 12 है, तो जो a है ना, जो ए है ना वो 10 का काम करेगा, दोनों इक्वल साइड को ए बोल रहा है और जो अनइक्वल साइड है उसको 12 बोल रहा है, बी बोल रहा है। क्लियर है ना? तो ए और बी में कंफ्यूज नहीं होगा ना, और बी को बोल रहे हैं नॉट इक्वल वाला, नॉट इक्वल, इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या बोले भैया, फिर से बोलिए, बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज टू इक्वल साइड इज 10 एंड द अनइक्वल साइड इज 12, अनइक्वल साइड को लोग बेस बोलेगा हमेशा। तो मतलब ए का काम 10 कर रहा है, अभी का काम 12 कर रहा है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो अगर हम बोलेंगे एरिया, अगर यहाँ पे हम लिखे, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका दोनों इक्वल साइड 10 है और अनइक्वल साइड 12 है, तो उसका फॉर्मूला का 1/4 इंटू 12 रूट अंडर 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। और लेकिन हम लोग फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला का एरिया हमेशा किससे करेंगे? बोलो अभी तक पूरा क्लियर है? तो क्या बोले भैया, अगर किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट पता है तब तो इतना कहानी को भूलिए जाओ, हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, लेकिन अगर वो नहीं पता है तो ट्राइंगल को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल से वो बिलोंग करता है, कौन सा टाइप से वो बिलोंग करता है। जैसे उसका टाइप कैटेगरी आपको पता चलेगा, फिर आप उसमें अलग अलग सबका फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। बोलो कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? तो स्केलन एरिया ऑफ फॉर्मूला इक्विलैटरल का पेरीमीटर 3 है, एरिया रूट 3/4 ए स्क्वायर, हाइट रूट 3/2 ए। क्लियर है? स्केलन ट्राइंगल के लिए सबसे पहले निकालने पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या, तीनों साइड को जोड़िए, दो से डिवाइड मारिए, सेमी पेरीमीटर आएगा। तो फॉर्मूला क्या, रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। तो भैया अगर एरिया यही लगेगा तुमको अगर आइसोसेलेस में, तो रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस एस माइनस एरिया। हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे भी नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? सेम रीजन कि जब तक तीनों ट्राइंगल का, किसी ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल ना हो, उसका तीनों हाइट भी इक्वल नहीं होता। अब देख के ये थोड़ा लग भी रहा आइसोसेलेस जैसा ना, तो अगर तुम ऐसा हाइट बनाएगा देख लो ऐसा होगा, ऐसा हार्ड बनाएगा ऐसा होगा, ऐसा हार्ड बनाएगा ऐसा होगा। हाइट का डेफिनेशन क्या है, फ्रॉम एनी वर्टेक्स उसका ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर, तो तुम देख लो तो तीनों इक्वल आएगा। तो हम अगर बोल देंगे फाइंड द हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो समझ जाएगा कौन सा निकालने दिया है। लेकिन अगर इक्विलैटरल का बोलेंगे कोई भी निकालेंगे सेम ही होगा, इक्विलैटरल का निकालेंगे
इसीलिए इक्विलैटरल का फॉर्मूला लिखे है, लेकिन बाकी का नहीं लिख रहे हैं। तो बाकी का निकालेंगे कैसे? पहले क्वेश्चन वो बताएगा मेरे को कि उसको चाहिए कौन सा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसको हम निकालेंगे कैसे। बोलो क्लियर है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसोसेलेस का अपना पर्सनल फॉर्मूला क्या है? 1/4 इनटू बी रूट अंडर 4a² - b² where a is the two equal side जो है वो a का काम कर रहा है, और जो अनइक्वल साइड है जिसका नाम बेस है वो b का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो अगर हम बोलेंगे इक्वल साइड मेरा 12 है और जो अनइक्वल साइड है वो बचा हुआ वो 15 है, तो मेरा a का काम 12 कर रहा है और b का काम 15। बोलो अभी तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? अब देखो मेंसुरेशन में सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चन होता है, सिर्फ दो। एक और बताना है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, उसको बताएंगे। मेंसुरेशन में सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चन होता है, झट लिखो दो क्वेश्चन। सिर्फ मेंसुरेशन में सिर्फ एक दो टाइप का क्वेश्चन होता है, दो टाइप पहचान लिया पूरा मेंसुरेशन का, तुमसे क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, इसके अलावा नया कुछ आएगा नहीं। मेंसुरेशन में या तो क्वेश्चन आता है फाइंड करने का, या तो क्वेश्चन आता है इक्वेट करने का। बोलेगा क्या बोले? समझ नहीं आया। अगर मान ले किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का तुमको साइड दे दिया और उसका पेरिमीटर एरिया या हाइट मांगा है, तो फॉर्मूला में पुट कर दो। लाइक पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कुछ मत बोल, नहीं समझ में आएगा तब बोलना, चार क्वेश्चन बनाने के बाद। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ इच साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट, इसके नीचे हम पेरीमीटर भी लिखते हैं, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। तुम दिमाग लगा के देखो, तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दे दिया है, साइड का मतलब ये एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड दे दिया, कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। और तेरे को मांग कर रहा है उसका एरिया मांग रहा है, पेरीमीटर मांग रहा है, और तुमको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर कितना है भैया? 3a 18 सेंटीमीटर, एरिया √3 / 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √3 / 4 काट देंगे 8 9 √3, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सही बात? हाँ। सही बात? हाँ। हाइट √3 / 2 √3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 80 कितना है? 6। तो देख तुमको, और हाइट भी सेंटीमीटर में आएगा, तुमको साइड का लेंथ दे दिया था, तुम खाली फॉर्मूला में पुट कर रहा है, एरिया का फॉर्मूला पुट करके एरिया निकाला, पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करके पेरीमीटर निकाला, हाइट का फॉर्मूला पुट करके हाइट निकाला। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप वन, अपना लिए, बुक में सब नहीं है, अपना समझने के लिए। टाइप वन क्वेश्चन क्या है? जहां पे हम फॉर्मूला में ए का वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला में ए का वैल्यू पुट करते हैं, मतलब हमको एरिया चाहिए, हमको साइड दे दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिए, हमको पेरीमीटर चाहिए, हम साइड का फॉर्मूला पुट करते हैं, पेरीमीटर आ गया, हाइट का फॉर्मूला में हाइट का ए का वैल्यू पुट कर दिया, हाइट आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे हम वैल्यू को, जहां पे हम वैल्यू को फाइंड करते हैं और मेरे को ए दिया रहता है, इसको अपना समझने के लिए अब से हम लोग बोलेंगे टाइप वन, कि हमको ए दिया है और हम तीनों डेटा निकाल रहे हैं। अब देख तुम खुद से ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना। फाइंड द, कुछ मत बोल खाली सुनो, फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 81√3। एरिया मांग नहीं रहा है, एरिया दे रहा है और हमसे साइड मांग रहा है। अभी तक क्या कर रहा था? साइड देके एरिया मांग रहा था, इस बार एरिया देके एरिया का फॉर्मूला से इसको इक्वेट कर देंगे। एरिया का ध्यान से देखो, एरिया दिया कितना है? 81√3 और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 मेरा भाई ये एरिया का फॉर्मूला है और ये एरिया का वैल्यू है, ये एरिया का फॉर्मूला है और वो एरिया का वैल्यू है। एरिया का फॉर्मूला से एरिया का वैल्यू को इक्वेट कर लें। अभी देख तेरे को आधा घंटा से हम समझा रहे फॉर्मूला, सम्स ना 10 सम्स 5 मिनट में बना देंगे, 5 मिनट में इतना आसान सम्स है, खाली कॉन्सेप्ट समझ जाओ बनता कैसे है।
कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को साइड वगैरह का लेंथ दे देगा और हम एरिया पेरीमीटर हाइट निकाल रहे होंगे, उसको अपना समझने के लिए हम लोग टाइप वन बोलेंगे। और अगर हमको एरिया पेरीमीटर या हाइट दे देगा और साइड मांग रहा होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे, फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप टू। क्या बोले फिर से, साइड दे दिया, एरिया पेरीमीटर और हाइट निकाल रहे हैं टाइप वन, फाइंड कर रहे हैं टाइप वन, एरिया दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, हाइट दे दिया, साइड निकालने दिया, क्या करेंगे जो फॉर्मूला है उससे उसको इक्वेट कर देंगे और रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइप। तो भैया अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को अगर ये एरिया नहीं देता, बोलता ये हाइट है, क्या है हाइट, तो हम इसको एरिया का फॉर्मूला से थोड़ी इक्वेट करते हैं, हम इसको हाइट का फॉर्मूला से इक्वेट करते हैं। अगर हमको ये एरिया नहीं देता, हाइट नहीं देता, पेरीमीटर देता, तो हम इसको पेरीमीटर का फॉर्मूला 3a से इक्वेट कर देते हैं। तो जब हम इक्वेट करेंगे उसको हम लोग टाइप वन बोलेंगे, आज हम लोग फाइंड करेंगे, हो गया बात खत्म। तो देख ले भाई एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट 3/4a² और एरिया का वैल्यू कितना है, √3 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर 81, चार उधर मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करने आता 324, रूट अंडर ए इक्वल टू रूट अंडर 324 होता है 18, कितना होता है, लो भैया तो साइड कितना है 18 सेंटीमीटर। साइड हमेशा सेंटीमीटर में होगा, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होगा, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो अभी टाइप वन टाइप टू समझा, कि टाइप वन में तुम किया क्या है, देख लो तुमको साइड दिया था, तुम एरिया पेरीमीटर और हाइट, एरिया हाइट पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला में ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला में ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। और यहां क्या कर रहा है, देख एरिया दिया है मैग्नीट्यूड वाइज, तो एरिया थोड़ी निकालेगा, एरिया तो देखिए दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला से एरिया का वैल्यू को अकॉर्डिंग टू सम लिख के इक्वेट कर रही है। बोलो आया कि बाउंसर गया, तो ये क्या हो गया मेरा अकॉर्डिंग टाइप टू, जहां पे हम फॉर्मूला से डेटा को इक्वेट करेंगे और फॉर्मूला में अगर डेटा को पुट करेंगे टाइप वन, बस हो गया मेंसुरेशन इसी में खत्म हो जाएगा। अब तो प्रॉपर रेक्टेंगल ऑब्वियसली पड़ेगा, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर पड़ेगा स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगेगा, रोम्बस पढ़ेंगे रोम्बस, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसके अलावा थर्ड चीज नहीं आएगा, या तो तुम फॉर्मूला में डेटा डाल के फाइंड कर रहा होगा या तो फॉर्मूला से डेटा को इक्वेट कर रहा होगा, इसके अलावा थर्ड चीज नहीं आएगा। बोल बात समझा कि नहीं समझा, जैसे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखे ध्यान से देखो, फाइंड द हाइट, भैया हाइट का होता है फॉर्मूला √3/2 a, सही बात, तो ए तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो निकाले कहां से, तो आगे दिया है फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बताएं हूज पेरिमीटर इज, पेरिमीटर मांग नहीं रहा है दे दिया है, पेरिमीटर मांग नहीं रहा है, अब पेरिमीटर का होता है √3/4a² ना ना ना, पेरिमीटर 3a, पेरिमीटर का होता है 3a, पेरिमीटर का मैग्नीट्यूड है फॉर्मूला वाइज, अब 54 पेरिमीटर का वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया है, तो क्या हो गया मेरा 3a = 54, 3a इक्वल टू, तो हम लोग का हिसाब से क्या हो गया टाइप टू क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, और वंस 3a को तुम 54 से इक्वेट करके a निकाल लेगा, a निकाल a निकाल लेगा, पक्का पक्का, फिर हाइट का फॉर्मूला में a को बैठा देगा, हाइट का फॉर्मूला में निकाल लेगा, पेरीमीटर कितना दिया है 54 सेंटीमीटर, पक्का बात पक्का बात, अब पेरीमीटर होता क्या है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, यह पेरीमीटर का अकॉर्डिंग टू सम 3a = a = 18, कितना, लेकिन हमको भैया इस पर साइड निकालने नहीं दिया था, आप साइड इसलिए निकाले क्योंकि आपको हाइट चाहिए, तो हाइट को फॉर्मूला को लिखो √3/2 a, निकाल चुके हैं आप 9√3, बोलो आया कि ऊपर से गया, इसके अलावा थर्ड चीज नहीं आएगा मेंसुरेशन, हम बार बार बोलो, या तो फॉर्मूला से इक्वेट या तो फॉर्मूला से फाइंड, और कुछ नहीं आएगा, यही दो चीज होगा। देखो
देख ये वाला क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से देखो, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द साइड इज, साइड का लेंथ दे दे रहा है, एरिया तेरे से मांग रहा है, पुट करना है, क्या हो गया टाइप वन है कि टाइप टू है, टाइप वन है कि टू है, पक्का क्योंकि साइड दे दिया है, एरिया मांग रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें ए का जगह पे 6√3 पुट कर देंगे, और यही अगर हमको एरिया दे दिया होता तो हम उसको एरिया से इक्वेट कर देते, हाइट दे दिया होता हाइट से इक्वेट कर देते, पेरिमीटर दे दिया होता इक्वेट करेंगे, टाइप टू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो गया भैया एरिया, खुद से ही देख लो, चाहिए एरिया का क्या फॉर्मूला है √3 और ए का वैल्यू कितना दे रहा है, अरे देख लो ना रे भाई साइड कितना दे रहा है 6√3 का √3 बाय 4 इंटू 6 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अरे भाई 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 3 27 के साथ इतना क्या, तो हम लोग का अकॉर्डिंग क्या हो गया ये टाइप 1 हुआ, और जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ इक्वेट किए कि फाइंड किए, पक्का क्वेश्चन देख यहां से क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 48, पेरीमीटर मांग नहीं रहा है, पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर मांग नहीं रहा, पेरीमीटर दे दिया, कितना है 48, और हमसे मांग कर रहा है लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द एरिया, तो भैया एरिया मांग रहा है, एरिया का फॉर्मूला था √3 बाय 4 ए स्क्वायर, ए तो तुमको पता ही नहीं एरिया कहां से निकाल देगा, वो कहां से मिलेगा वहां से, पेरीमीटर कितना होता है 3a, पेरीमीटर कितना होता है 3a, और पेरीमीटर दिया कितना है 48, तो 3a इक्वल टू इक्वेट किया टाइप 2 हो गया, तो 3a इक्वल टू a इक्वल टू 48 बाय 3 16 आएगा, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, अब क्या अगर एरिया चाहिए √3 बाय 4 ए स्क्वायर, ए का जगह पे का पुट कर देंगे, बोलो क्लियर हुआ, चलो छापो जल्दी से इसको, हो गया देखो भाई इधर हो गया देख।